व्हाट्सअप, दिस इज टू स्पार्क एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अरे आज है ना अपने को ये ना एक छोटा सा स्पिन पे जाना है, बिकॉज एक मैंने अमेजोन से पैकेज मंगाया था। मैंने पहले इसके पहले वाले व्लॉग में बोला था कि मैंने अमेजोन से एक छोटा सा पैकेज मंगाया है, तो मुझे उसको खोलना है यार। मैं उसके वजह से बहुत गाली सुन रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से वो आके पड़ा हुआ है मेरे वर्कशॉप पे। तो उसको खोलते हैं और यूज करते हैं, पैकेजिंग ओपन करते हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मैं बहुत गाली सुन रहा हूँ। मतलब हाफ ऑफ द टाइम मैं बाइक पे रहता हूँ और मैं फोन पिकअप नहीं कर पाता हूँ। द रीजन ये है कि मेरे पास ईयरबड्स है, तो ईयरबड्स में जब फोन आता है किसी का तो मैं उंगली डाल के नहीं ओपन कर सकता, मतलब उसको कॉल रिसीव कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई इसलिए मैंने ये परचेस किया अमेजोन से। दिस इज बोल्ट जी चार्ज। एक्स्ट्रा ईयरबड्स और चार्जर पोर्ट, इसको यूज करते एक शॉर्ट स्पिन पे जाके आते हैं, इसको देखते हैं, इससे बात करके भी तो ये कैसा वर्क करता है। ये मैंने सिर्फ एक रीजन से खरीदा है, मतलब 2 रीजन से खरीदा है। ऑफकोर्स मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे को बात करने के लिए चाहिए इसलिए, और सेकेंड रीजन इसका मेन रीजन ये था कि इसमें ENC एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, वो मुझे बहुत जरूरत है। बिकॉज हम ट्रैफिक में होते हैं या जब भी मैं ट्रैवल करता था तो बोलते यार एयर का ज्यादा नॉइस आ रहा है, तेरा कम आ रहा है, तू क्या बोल रहा है, फिर मुझे बाइक रुकाना पड़ता है, सब निकालो बात करो फिर रखो, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो ये आई थिंक सो हेल्पफुल करेगा, मतलब ऑफकोर्स ये सब मैंने रिव्यू देख के लिया है। तो लेट्स सी, मैं यूज करता हूँ, एक शॉर्ट स्पिन पे भी हम लोग जाके आते और देखते कि ये कैसा वर्क करता है। दिस इज ब्लैक एंड ग्रे, लेट्स सी। तो लेट्स सी, मैं यूज करता हूँ, एक शॉर्ट स्पिन पे भी हम लोग जाके आते और देखते कि ये कैसा वर्क करता है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज टू स्पार्क एंड वेलकम बैक टू द चैनल। के प्रीवियस वीक ही मैंने पाम एक्सपो का वीडियो डाला था, अगर आपने देखा नहीं है तो इधर आई बटन आता होगा, तो पाम एक्सपो का आप वीडियो देख लो। अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने जो अपना ईयरफोन्स लिया था, अपना ईयरबड्स लिया था बोल्ट का, तो मैंने बोला था कि मैं 2 दिन में उसका यूज करके रिव्यू बताता हूँ। अब 2 दिन तो नहीं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुका है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बाइक राइड पे, मतलब मैं डेली यूज कर रहा हूँ। मतलब सुबह 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 रात सिर्फ सोने जाता हूँ तभी सिर्फ निकाल के रखता हूँ, बाकी एवरी टाइम वो मेरे नेक पे ही रहता है, वैसा मैं उसको हार्ड कोर यूज कर रहा हूँ। अभी तक 10 दिन में मैंने उसको 2 बार चार्ज कर लिया है फुल। अपार्ट फ्रॉम इट मतलब बहुत अच्छा है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वो मुझे बतानी है। तो मतलब वो बैठ के, मतलब जैसे ही मैं जिम से भी निकलता हूँ और घर आता हूँ, स्टूडियो में बैठूंगा तो वर्कशॉप पे बैठ के मैं आपको पूरा उसके बारे में बताता हूँ कि क्या मुझे दिक्कत आ रही है और क्या इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। छपरी राइडर्स लोग, रेस लगा रहे, साइड में आके कटवट मार के जा रहे, मतलब का नहीं है, रेस लगाना नहीं चाहिए, ऊपर से उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना है। देखा कि कैसे ये छपरी राइडर लोग, अरे देख रहे हैं लड़की के साथ है तो क्यों इतना, मतलब बोलते हैं ना रेस लगाने की, इतनी क्या इन लोगों को बोल के कुछ, मतलब बोलते हैं ना मतलब नहीं है, सिग्नल भी खुला नहीं है तो भी क्रॉस, मतलब बोलते हैं लड़की के साथ है, मतलब एक अरे यार खुद अकेला है तो बात अलग है, आप किसी के साथ हो तो भी रेस लगा रहे हो, वो बहुत गलत चीज है। ऐसे तो रेस ही लगाना बहुत गलत चीज है, पर आप अकेले भी नहीं हो, लड़की के साथ हो और रेस लगा रहे हो, उसके बाद वो आगे MT वाला यार, ठीक है मुंबई यार रेस की जगह नहीं है। छपरी राइडर लोग को है ना बोल के कुछ मतलब नहीं है, वो 220 वाला तो हेलमेट भी नहीं पहना है। वाह, को देख के चार्ज हो रहा था, मैंने कैमरा लगाया था ना तो मेरे को देख के चार्ज हो रहा था वो, और ये ऐसी स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं है, सिर्फ कैमरा लगाया है
जैकेट पहना है इसके लिए उसको सिर्फ ऐसा बोलते ना, उसको देख के लग रहा है कि रेस लगाएंगे मैं। अरे वैसा नहीं है भाई, कैमरा पहन के चला रहा हूँ और मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, तो वो देख के वो चार्ज हो गया, तो उसके साथ जो एम टी वाला था वो भी चार्ज हो गया, तो वो दोनों मतलब बोलते ना यार सिग्नल पे ऐसा शूट वूट दे रहे जैसे कि आपने देखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिटर्न आ गया हूँ और मेरे को मतलब ये सिर्फ लास्ट रिव्यू करना था, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही मुझे अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे मतलब मेरा बटन है ना वो मतलब अंदर साइड पे ही है, मतलब वो एकदम पता नहीं चला कि बटन्स है करके, तो लगता है आदत डालने थोड़ा टाइम जाएगा इसके लिए, थोड़ा किसी किसी में थोड़ा सा बटन ऊपर रहता है तो आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे बटन है करके, तो अभी थोड़ा ढूंढ मतलब उसको आदत नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम जा रहा है यूज टू होने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब अगर मैंने फ्रेंड को भी देखा है, मैंने वॉइस सुना है, मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ और वो इस पे बात कर रहा है, तो वो भी एकदम परफेक्टली चल रहा है इस पे। और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, मतलब सिर्फ कॉलिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जिमिंग के डब्बे में म्यूजिक के लिए यूज करता हूँ, बाकी मतलब सुपर्ब है। अगर आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन इसका एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब मैंने बाइक पे बहुत बार मैंने सबसे बात किया तो उन लोगों पर कोई आवाज नहीं आ रहा है, मतलब वो ह्यूमन वॉइस को उतना डिटेक्ट कर रहा है। तो यप आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। टू बाय तो बोल्ट जी चार्ज करके इसका नाम, तो इफ यू वांट टू बाय आप मतलब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लिव एट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम्स, दिस इज टू स्पार्क एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।